नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और दोस्तों, जिस फिल्म का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस फिल्म के ट्रेलर ने तबाही मचा रखी थी, अब वो थिएटर में रिलीज होने को तैयार है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नरसिम्हा फिल्म की, जिसका ट्रेलर बहुत ही जोरों शोरों से देखा गया। इस समय मेरे साथ खुद नरसिम्हा मौजूद हैं, यानी प्रिंस सिंह राजपूत, फिल्म के लीड एक्टर। बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाई भी आपको कि आखिर आपका एक बहुत बड़ा सपना कल साकार होने को है, क्या कहेंगे जी? नमस्ते, आपको भी बधाई हो कि आप आए हमारा इंटरव्यू लेने। अच्छा, वाकई में नरसिम्हा, मुझे याद है कि आपने कुछ महीनों पहले मुझे दिखाया था इसका ट्रेलर और तभी मैंने कहा था कि भैया जौने दिन ये फिल्म आएगी तो उस दिन एक बहुत बड़ा तबाही मचाएगी। तो सबसे पहले तो आप ही बताएं कि कितनी उम्मीदें हैं नरसिम्हा से? उम्मीद धर्म जी हमको ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान को है, सारे हमारे भोजपुरी दर्शक है, सबका बेसब्री से इंतजार था नरसिम्हा का। आज वो समय आ गया, यानी कि 17 तक, यानी कि कल हमारी फिल्म रिलीज हो रही है बिहार में, झारखंड में और यूपी में। तो हमारे जितने दर्शक हैं सबका, हमारे जितने चाहने वाले हैं, हमारे जितने समाज है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी परिवार है, समस्त हिंदुस्तान है, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, पूरा मीडिया कर्मी है, आप लोग हैं, आप लोग का तो शुरू से आशीर्वाद रहा है, तो अच्छा है। और उम्मीद तो काफ़ी है इस फिल्म से, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक अलग ही फिल्म बनी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक्शन आज तक ना मैंने देखा है, ना आप देखे होंगे, ना हमारे दर्शक देखी होगी। वो फिल्म बनी है नरसिम्हा, ये सारा चीज़ है। नरसिम्हा भगवान खुद तो इतना बड़े ब्रांड है, इतने बड़े नेम है, और फिल्म टाइटल मिला, हम लोग किए, सबका प्यार आशीर्वाद से इतना स्मूथली फिल्म बनी और इतनी अच्छी बन गई कि खुद टीम के क्रू मेंबर भी नहीं जान पाते इतनी बड़ी फिल्म बनेगी। मैं, हमको विश्वास नहीं था कि इतना ऐसा मैं कर लूँगा, इतना बड़ा एक्शन मैं कर लूँगा। वो जो गेटअप है, जो लुक है, जो जंजीर है, वो जानते हैं, वो जो जंजीर मैंने लटकाया वो 35 किलो का जंजीर था। अरे बाप रे। और उसके बाद से वो बम्बू था इतना बड़ा, जो हमको विलन ने कवरेज किया था, पूरा बांधे थे, जकड़े थे, तो ओरिजिनल जंजीर है और आज भी रखा हुआ। वो कैसे किए, वो सब नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद है। लग रहा था कि ये पूरा टूट जाएगा। एक तो टाइम ऐसा आया कि जब हम फाइट कर रहे थे तो हमारे कैमरामैन थे महेश वेंकटेश जी, सुजीत जी थे, फाइट मास्टर थे, हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए थे। एक्शन करते करते 2 बजे रात में मेरे मुंह से पूरा ब्लड आ गया था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। इतना ज्यादा एक्शन डायरेक्टर ने आपसे बहुत एक्शन कराया यहाँ पर? डायरेक्टर ने नहीं, फाइट मास्टर ने। डायरेक्टर एक अपना सीक्वेंस दिए थे कि ऐसे करने लिए, फाइट मास्टर हमारे प्रदीप खड़का ने जी जान लगा के, वो रिक्स भी लेते हैं, कई फिल्म में रिक्स लेते हैं, इतना एक्शन कराए कि आज देखिए पूरा बूम मच रहा है, पूरा थिएटर में हमारा ट्रेलर चल रहा था, काफी फोन आ रहे थे, सारे दर्शक पसंद कर रहे थे। अब देखते हैं कि कल क्या रिजल्ट। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों फिल्म तो कल रिलीज हो रही है, लेकिन आपको ये बताएं कि इस फिल्म का ट्रेलर जो है अन्य थिएटरों में लगाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और कितना फायदा इससे हो जाएगा आपको, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, पहले के जमाने में देखते थे हम लोग, फिल्म देखने जाते थे तो ट्रेलर चलता था तो हम लोग कितना एक्साइट होते थे कि अरे फिल्म आ रही है। बीच में कुछ बंद हो गया था लेकिन फिर से अब चालू हो रहा है, तो थिएटर में अगर ट्रेलर चलता है उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसलिए कि अगर अच्छा आपकी फिल्म है तो दर्शक पसंद करेगी, वहीं पे वो यस नो का फैसला कर देती है ट्रेलर देख के। हम लोग जैसे हिंदी फिल्मों के देखते हैं, साउथ के देखते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ट्रेलर से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब ये चालू हो गया है, हमारा नरसिम्हा हर जगह चल रही है ट्रेलर। तो क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर का, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अब आप मीडिया वाले हैं, आप बताएंगे, आप भी तो रिपोर्ट लेते हैं ना हमारी फिल्म में, तो मैं तो बोलूंगा कि अच्छा आ रहा है। आज जो लोग कहते हैं, देखिए मैं कभी भी सच्चाई बोलता हूं धर्म जी, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी फिल्म में फ्लॉप होती है तो मैं बोल देता हूं मेरी फिल्म में फ्लॉप है, ठीक है, एवरेज रहती तो वो भी मैं बोलता हूं कि एवरेज है। तो हमारे ट्रेलर का क्या है कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा है हर जगह। अरे हमारे पास मैसेज आए कि हम भैया आपका ट्रेलर हम लोग मल्टीप्लेक्स में चला रहे हैं, कहीं तो अभी दिखा दूंगा जी, तो अच्छा रिस्पॉन्स है, अब बहुत ही अच्छा, सब लोग पसंद कर रहे हैं, काफी बधाइयां दे रहे हैं। मैं भी हो सकता है फिल्म कहीं हिट हो जाए। क्या बात है, नहीं हिट तो हो गई, क्योंकि वाकई में मैंने भी ट्रेलर देखा है, बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और स्पेशली थोड़ा सा बात मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी टीम के बारे में बताएं, फिल्म की हीरोइन के बारे में बताएं, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और पूरी स्टार कास्ट के बारे में, कैसे बधाई के पात्र हर कोई है जी? नहीं, पूरा टीम हमारे बहुत ही मेहनत किए थे, हमारे जितने आर्टिस्ट थे, मैं लीड कर रहा हूँ, लीड किया हूँ प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे फिल्म में विलन है सुशील सिंह जो कि काफी सीनियर आर्टिस्ट है, 200-300 फिल्मों किया है, उनसे जुगलबंदी मेरा अच्छा रहा था, बाप और बेटे का एक रिलेशन था। इसमें खतरनाक विलन है, घातक विलन है अमित शुक्ला जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, जय सिंह है,
अपना करण पांडे है, इसमें एक्ट्रेस है हमारे अर्शिया सिंह एक्ट्रेस है, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे ओम झा है, कोरियोग्राफर भी संजय कौरबे वगैरह सब लोग है, प्रसून भाई है। टीम अच्छी थी तभी एक फिल्म बना है, या दिल से सारे लोग जुड़े थे, या मैं खुद अच्छा हूँ तो टीम तो अच्छी मिलनी है। बिल्कुल। और दोस्तों बताएं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है सुजीत सिंह जी, और आपने देखा होगा पवन सिंह जो सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री के, क्रैक फाइटर उनकी फिल्म, सत्या, ऐसी कई फिल्मों का जो है बकायदा एक्शन दिया है सुजीत सिंह जी ने, और सुजीत सिंह जी ने ही नरसिम्हा फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। तो एक्शन के बादशाह कहे जाते हैं जी, कितना आसान था उनके साथ काम करना, किस तरीके से सेट पे आप दोनों की केमिस्ट्री बनती थी? जी, सुजीत जी के बारे में मैं बोलूं तो इनकी सारी फिल्में मैंने नोटिस किया है, सारी फिल्में देखा था। जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो भैया ने काफ़ी हिट हिट फिल्में दी है, एक्शन फिल्में काफ़ी इन्होंने, सत्या जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी सत्या, उसका क्लाइमैक्स देखा था तो मेरा पूरा शरीर हिल गया था, रोवा खड़ा हो गया था। मेरा सपना था कि कभी ऐसा टाइम आए कि मैं भी इस तरह से एक्शन करूं। अब मेरा हाइट है, पर्सनालिटी है, बॉडी है, एक्शन भी मैंने सीखा है, तो मेरा एक सपना था कि करूं लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर नरसिम्हा जब फिल्म आया, नरसिम्हा हम लोगों ने बैठ के किए, नरसिम्हा बनते बनते इतना बड़ा एक्शन बन गई है कि सारे फिल्मों को हमको लगता है पछाड़ दी है। टेलर में जो, क्योंकि इसका एक अलग ही जोन है, माने एक्शन तो हर फिल्म में, ये इसका एक्शन पैटर्न ही अलग है भैया। वो घातक लुक, खतरनाक लुक देखे हैं, बाल मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता हूँ कि मैंने ऐसा काम किया है। मैं क्या बताऊँ, हमको विश्वास नहीं होता देख के। मैं पूरा फिल्म देखा, उस फिल्म में नरसिम्हा में ऐसा है कि दो तीन जगह अपने आप को आप रोकते हुए भी रो देंगे। हम अपने प्रोड्यूसर के साथ ट्रायल में फिल्म देख रहा था तो प्रोड्यूसर बोला कि ऐसा मैं हिंदी फिल्मों भी देखता हूँ तो उठ जाता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन ये फिल्म जो खुश है, माना हमारा प्रोड्यूसर बहुत बेहतरीन जब अभी तक तो था, क्योंकि बजट हमारा ज़्यादा लगा है फिल्म में, 80-90 लाख रुपया नरसिम्हा में गया है, तो थोड़ा सा प्रोड्यूसर का वो भी रहता है ना, लेकिन प्रोड्यूसर ने दिल खोल के पूरा पैसा खर्चा किया, जो मांगा गया, टफन गिलास हमको लगता है 2-3 लाख का टफन गिलास बना, जो तोड़ा हूँ मैं, कार से तोड़ा हूँ, पाइप से तोड़ा हूँ। लेकिन फिल्म देखने के बाद प्रोड्यूसर ने बोला, सब कुछ भूल गया, बोले कि बहुत अच्छा है, सबकी उम्मीद है इस फिल्म से, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को भी उम्मीद है कि एक अच्छी फिल्म है, चलना चाहिए, जब फिल्में चलेगी तभी ना भैया दूसरी तीसरी चौथी फिल्में भी चलेगी। जैसे एक हमारे भाई का सौदागर रिलीज हुआ है, उसका अच्छा रिपोर्ट आ रहा है तो खुशी होती है, हर जगह से अच्छा रिपोर्ट है, यूपी से, बॉम्बे से, तो इतना मैंने वो होता है। देखिए हम लोग भोजपुरी परिवार हैं, हम लोग भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक्टर हैं, तो ये नहीं कि हमारी फिल्म में हिट हो दूसरी की फिल्म में फ्लॉप हो, जो अभी सिचुएशन चल रहा है एक दूसरे से लोग जलने लगते हैं, लेकिन मेरा व्यू ये नहीं रहता है। मेरा व्यू ये है कि जब फिल्में हिट होगी तभी मेरी भी फिल्म लगेगी तो हिट होगी, नहीं तो दूसरा फ्लॉप होगा तो मेरा भी फ्लॉप होगा, जब जाएगी देखने तभी तो होगा। नहीं, जैसे सौदागर का अच्छा रिपोर्ट है, मेरा भारत महान का भी मैंने सुना, फिल्म तो देखा नहीं, सुना उसका भी अच्छा रिपोर्ट है, तो यह है कि धीरे धीरे पब्लिक आ रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि एक तरफ मेरा भारत महान, दूसरी तरफ जो है सौदागर, ऐसे में आपकी फिल्म भी अब रिलीज हो रही है, आपको लगता है कि दर्शक आपकी फिल्म की तरफ आएंगे इन फिल्मों को भी छोड़कर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे लड़ाई तो है ही है? जी, लड़ाई तो हर जगह है भैया, बॉक्स ऑफिस में नहीं, हर जगह है। तो देखिए मेरा भारत महान का एक अलग जोन था, देशभक्ति फिल्म थी, और सौदागर था एक रोमांटिक फिल्म थी, अब मेरा जो नरसिम्हा है फुल एक्शन एंड कमर्शियल फिल्म है। तीनों फिल्म का अलग अलग भाग है, तीनों का दर्शक तीनों में मजा लेंगे, ठीक है। मैं दो का लिए आज 2-3 हफ्ता हो गया, तो उसमें नरसिम्हा भी आ रही है, अच्छा हुआ वो फिल्म में चला, दोनों फिल्म में चली, मेरा भी फिल्म उसमें चलेगा, क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा उसमें, लव है, एक्शन है, गाने हैं, हर चीज़ अच्छी है, तो विश्वास है हमारे दर्शक है तो जुड़ते हैं ना, इमोशनल भी है उसमें, जब देखेंगे तो हमारे दर्शक खुद कहेंगे, उसका तो रिव्यू आप लोग लेंगे ना, पता चलेगा ऐसा हमारे सुजीत जी ने बनाया ना भैया कि मैं 2-3 बार रो दिया, आप भी देखेंगे धर्म भाई, तो विश्वास है इमोशनल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं तैयार हुआ हूँ इमोशनल होने के लिए, कल मैं भी उत्सुक हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। प्रिंस सिंह राजपूत जिनकी फिल्म आ रही है नरसिम्हा, जाइए कल देश भर के थिएटरों में रिलीज होगी, देखिए, बाहर निकल कर बताइए कैसी लगी है फिल्म, और मुझसे भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कैसी लगी फिल्म, इनसे वापस से आपसे मैं जवाब लिखकर इन तक पहुंचा दूंगा। फिर एक बार बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको, क्या कहेंगे जाते जाते तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं नरसिम्हा को लेकर? बिल्कुल भैया, मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करता हूँ कि कल मेरी फिल्म नरसिम्हा, आप लोग बोलते हैं ना कि एक अच्छी फिल्म बनना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दें और फिल्म अच्छा लगा तो हिट करिए।
अपना और आप बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार। जी हाँ, सत्या, क्रैक फाइटर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुके डायरेक्टर मिस्टर सुजीत सिंह साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनकी फिल्म नरसिम्हा भी कल देश भर के थिएटरों में रिलीज होगी। बहुत बधाई आपको सुजीत सर, और क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताएं, कितने एक्साइटेड हैं? सबसे पहले धर्म जी, हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं सबको तहे दिल से नमस्कार, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो अब तक मुझे प्यार देते आए हैं सबको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, और सबसे विनती करता हूँ कि कल हमारी फिल्म नरसिम्हा बिहार, झारखंड एंड यूपी में लगभग 30-35 सिनेमा से रिलीज होने वाली है जो अब तक आधिकारिक सूचना है। तो जैसे पहले प्यार देते आए वैसे प्यार दे, मैं इसी का उम्मीद रखता हूँ उनसे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताएं नरसिम्हा फिल्म के जो हीरो हैं वो हैं प्रिंस सिंह राजपूत, हीरोइन हैं अर्शिया अर्शी, और अब सुजीत सर के पास चलते हैं। कितना मुश्किल रहा एक्शन करवाना प्रिंस सिंह राजपूत से नरसिम्हा में? देखिए, मैं जब प्रिंस जी के साथ में काम किया, खासकर एक्शन वर्क में जब हम दोनों लगे रहे तो मुझे जरा सा भी इशू नहीं हुआ, चूँकि वो ऑलरेडी एक्शन सीख के आए हुए हैं। तो होता नहीं कि एक एक्टर एक्शन सीखे हुए तो आदमी कम्फर्ट जोन में काम करता है, तो एक से एक जो डिफिकल्ट एक्शन भी था वो सेफ्टी होते हुए अच्छे तरीके से किया मेरे साथ। अच्छे तरीके से किया। अभी ट्रेलर बनकर रिलीज भी हो गया है, हमने देखा बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं ट्रेलर से, तो आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं। फिल्म को लेके क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, फिल्म के लिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि इस फिल्म को प्लीज टाइम निकाल कर आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि उम्मीद यही है कि हमने पूरी कोशिश की है कि एक अच्छी फिल्म हमारे दर्शक के पास जाए, और मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छा लगेगा, इतना तो भरोसा है। क्योंकि अभी तक मैं भरोसा में जितनी फिल्में दिया हूँ सबने दर्शक ने मुझे प्यार दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी दर्शक हमें प्यार देंगे। और सबसे अपील भी करता हूँ कि थोड़ा मोबाइल का टाइम आ गया है, डिजिटल टाइम आ गया है, बट इसका जो प्रॉपर इफेक्ट है, साउंड है, जो प्रॉपर जो साउथ की फिल्में देखते हैं उस तरह का मजा लेने के लिए आपको एक बार थिएटर में जाना पड़ेगा, तो ही वो फील मिल पाएगा जैसे लगता है कि पुष्पा। तो हम पुष्पा तो नहीं बनाए हैं, बट तो एक फील लगेगा उस टाइप की पिक्चर कुछ आ रही है। आ रही है। अच्छा, कितना अभी थिएटर में बहुत सारी फिल्में तो रिलीज हो रही हैं, तो उसके प्रदर्शन से काफ़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि अच्छी खासी फिल्में चल रही हैं। देखिए क्या होता है, मैं 100 की सीधी बात है, चाहे फिल्म हमारी हो, मेरे डायरेक्शन की हो या किसी और डायरेक्टर की हो, फिल्म जब तक अच्छी नहीं बनेगी, हम सिनेमा को सिनेमा तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन जब तक सिनेमा अच्छी नहीं बनेगी ना, दर्शक क्यों देखेंगे? क्यों अपना 50 रुपया 100 रुपया अपने खून पसीने कमाई लगाएंगे? उनका 50-100 रुपया दिखना चाहिए कि वो 500 खर्चा करके आए, वो उनको लगे जी मैं 50 रुपया नहीं 500 खर्चा करके आ रहा हूँ, वो खुशी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये फिल्म जरूर लोगों को अच्छी लगेगी धर्म जी, और मैंने काफ़ी फिल्मों को कोशिश किया हूँ, मतलब क्लाइमेक्स वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ है, जो कि क्लाइमेक्स का एक आधी को 200 ट्रेलर में है, बाकी तो पब्लिक के लिए छोड़ा हूँ कि थिएटर में देखेंगे, थिएटर में जाकर देखेंगे। एक आखिरी सवाल सुजीत सर, एक तरफ मेरा भारत महान फिल्म भी लगी हुई है, 4th-5th सप्ताह चल रहा है और अभी भी लोग देख रहे हैं, दूसरी तरफ आजकल एक नई फिल्म रिलीज हुई है सौदागर, आपको लगता है इन दोनों फिल्मों की वजह से नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, फायदा होगा नुकसान होगा, क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, क्या होता है ना, तीनों तीन जोन की पिक्चर, एक देशभक्ति है मेरा भारत महान जिसको लोगों ने प्यार दिया, दूसरी फिल्म है लव स्टोरी सौदागर, उसको भी लोगों ने प्यार दिया है, हमारी पिक्चर है एक्शन, मतलब बोलते हैं एक्शन पैक पिक्चर है, तो एक्शन पैक पिक्चर बहुत दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि जब से थिएटर्स में बिजनेस कम हुए हैं तो लोग सेटेलाइट के हिसाब से फिल्म बनाते हैं, हमने इसको दिमाग से निकाला कि नहीं फिल्म ऐसी बनाओ जो थिएटर में भी चले सेटेलाइट पर भी चले, तो हमारी पूरी कोशिश है, इसका भी ऑडियंस एक अलग जोन है, ऑडियंस के भी एक जोन बटे होते हैं जो सबको अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये भी फिल्म सबको अच्छी लगेगी, जहाँ तक मुझे मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने काफ़ी उसको बारीकी से भेजा, कोई भी एक्शन ऐसे नहीं ठूसा हुआ है, कोई एक्शन है तो एक्शन मतलब कहानी का जर्नी है, एक्शन क्यों होगा उसके पीछे जर्नी है कहानी,
तो इस तरीके से मैं परोसने की कोशिश किया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया जाए, लोग बहुत ज्यादा प्यार दें, और जाते जाते तमाम दर्शक आपके साथ बने हुए क्या कहेंगे? बस अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, देखने वाले दर्शक हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे आपने पहले प्यार दिया है वैसे दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी फिल्म आपको अच्छी लगेगी। बाकी कुछ होगा, गलतियां सबसे होती होगी, मुझसे भी होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको अगले फिल्म में लेके आएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और आप बने रहें देसी भारत के साथ। ठीक, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन रही है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए लगेंगे, और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के जो ओनर हैं रत्नाकर कुमार, उन्होंने घोषणा की, अनाउंस की है। और खास बात यह है कि इस 3.5 करोड़ फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लीड किरदार निभा रहे हैं। एक गर्व वाली बात है अगर वाकई में 3.5 करोड़ की फिल्म बनती है तो। सुजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, एक्शन के लिए माहिर हैं, और ज्यादातर काम अपने पवन सिंह साहब के साथ किया है, सत्या फिल्म, क्रैक फाइटर, और अब इनकी नरसिम्हा फिल्म भी जो है वो देखने के लिए हम सब तैयार हो चुके हैं। आपका रिएक्शन जानेंगे, क्या वाकई में 3.5 करोड़ से के ऊपर की फिल्म नहीं बनी है? और अगर नहीं बनी है तो क्या चल रहा है दिमाग में? इतना वसूली हो जाएगा, इतना रुपया लगाया जा रहा है तो इतना रुपया आएगा? देखिए, जो रत्नाकर जो फिल्म बनाने जा रहे हैं 3.5 करोड़ की, 3.5 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, फिल्म वो जरूर बनाएंगे और लोग उसको जरूर पसंद करेंगे। क्योंकि क्या है कि एक फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, उनको विदेशों में शूटिंग करना है, खर्चा है, तो जब ऑडियंस के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाएंगे तो क्यों ऑडियंस उस पिक्चर को देखेगी? आप घर में रोज़ खाना खाते हैं और एक होली का खाना बनता है, दिवाली खाना बनता है, तो लोग कितना स्वादिष्ट खाना खाता है। तो फिल्म में भी वो ज़्यादा खर्च करेंगे स्क्रिप्ट के हिसाब से, फिल्म अच्छी बनेगी तो लोग जरूर देखेंगे। और रही रिकवरी के बाद तो एक मेकर कोई पैसा लगाता है, जैसे एक बाप किसी बेटे पैसा लगाता है कि IAS बनेगा, अब नहीं बनने के डर से तो थोड़ा खर्चा नहीं करेगा। मेकर है, खर्च करेंगे, पब्लिक को अच्छा लगेगा तो जरूर रिकवरी होगी। मेरा ये है, मेकर को फिल्म बनाने से पहले बजट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बजट के साथ साथ स्क्रिप्ट अगर रिक्वायर है, स्क्रिप्ट अगर डिमांड कर रही है, मेकर को खर्च करना चाहिए। जैसे नरसिम्हा में देखिए, नरसिम्हा में 90-92 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो डिमांड था तो प्रोड्यूसर ने किया, जो हमने प्रोड्यूसर से हमने मांगा, हमने उन्होंने दिया मुझे। तो खर्च एक अलग चीज़ है, सिनेमा दिल से और दिमाग से बनता है। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि रत्नाकर जी ने 3.5 करोड़ रुपया अगर लगा रहे हैं तो वापस भी आएगा, थिएटर देगा, थिएटर के दर्शक देंगे, थिएटर देगा, सेटेलाइट देगा, उनके चैनल्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग चैनल्स हैं, चैनल्स पे चलेगा, यूट्यूब पर इतना उनका बड़ा मतलब सब्सक्राइबर्स, क्यों नहीं चलेगा? आप नहीं आने के डर से खर्च नहीं करेंगे, फिल्म वही खत्म। साउथ में फिल्में बनती है, आप खुश हैं इतने रुपए लगा के? साउथ में फिल्म, हाँ खुश हूँ मैं, बिल्कुल खुश हूँ, साउथ में इतनी फिल्में बनती है। तो आने के लिए नहीं सोचते हैं, पहले बनाने के लिए सोचते हैं, पहले अच्छा बनाएंगे तो आने की उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल, शायद आप बाहुबली और पुष्पा जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं, अगर बाहुबली नहीं बनी होती तो शायद KGF नहीं बनती, पुष्पा नहीं बनती, राइट? एक आदमी बना कमाएगा तभी तीसरा दूसरा लगाएगा ना, ये चीज। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं तो उनके रहने से भी जो पैसे हैं वो आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, गारंटी, आपका क्या मानना है? देखिए, खेसारी जी इसमें काम कर रहे हैं, स्टार में अच्छे रैंकिंग में उनका वर्क चल रहा है, तो उनका काम सिनेमा के स्क्रिप्ट के हिसाब से अच्छा होगा तो और बूस्ट करेगा। एक चीज़ एक सेटअप अच्छा है, उसमें वो अच्छा काम कर ही रहे हैं और उसमें अच्छा करेंगे, खर्च के हिसाब से अच्छा करेंगे तो 100% अच्छा होगा, ये चीज़। आप इसके डायरेक्टर होते तो एक्साइटेड होते, उत्साह था आपके अंदर? नहीं, देखिए जिस चीज मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ पराग भाई को, रत्नाकर जी को, लेकिन मैं जब हूँ ही नहीं तो मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। कहीं ना कहीं पराग पाटिल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, आपको लगता है वो निभा पाएंगे बखूबी? नहीं, बात पराग पाटिल जी का नहीं है, कोई भी डायरेक्टर को, प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, फिल्म जब बनाने चलता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ वही होती है, एक बड़ी फिल्म की हो या छोटी फिल्म की हो। आप जीत के तब आते हो जब दर्शक का दिल जीत के आते हो, जीत के तब आते हो जब दर्शक का दिल जीत के आते हो, क्या बात है, वाह, यही बात है। और दोस्तों यही बात ही है, ठीक है ना? सुजीत सिंह साहब हैं और एक्शन के लिए माहिर हैं, जाने जाते हैं, बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 3.5 करोड़ की जो फिल्म बन रही है उसका पैसा वापस आएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि भाई रत्नाकर कुमार जी ने लगाया तो वो लाएंगे, अब कैसे आएगा, क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। I'm very excited and
एनी क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, इनसे भी कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इनके जवाब तक पहुंचा दूं। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं, हमारे भोजपुरी ऑडियंस है, हमारे भोजपुरी परिवार है, समस्त हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं भैया जी। नरसिम्हा आपके रिलीज है कल फिल्म, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मेरा लाइफ की एक बहुत ही बड़ी फिल्म है जिसका नाम है नरसिम्हा। साक्षात हमारे नरसिम्हा जी का आशीर्वाद है, हमारे दर्शक का आशीर्वाद है, हमारे समस्त हिंदुस्तान का आशीर्वाद से कल फिल्म रिलीज हो रही है, यानी कि 17 तारीख को बिहार में, यूपी में और झारखंड में। तो हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने भाई हैं, हमारे जितने समाज है, सबसे मैं हाथ जोड़ के भैया निवेदन करता हूँ कि कल हमारी फिल्म देखिए और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आपकी फिल्म क्यों देखे कोई? क्यों देखे? क्योंकि फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी है। हमको लगता है भोजपुरी में पहली बार इतना बड़ा नरसिम्हा में एक्शन लेके आ रहा हूँ। हमारे सुजीत जी डायरेक्टर जो है, काफी हिट फिल्में दिए हैं। दर्शकों का आरोप है भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो पे एक ही तरह की फिल्में लेके आते हैं हमेशा। नहीं, मेरी सारे फिल्में अलग रहती है। मिशन पाकिस्तान भी अलग था, इंडियन भी अलग था, नरसिम्हा सबसे अलग है। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म नहीं बनी है, इतना बड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। नरसिम्हा समाज को क्या संदेश देगी? उसमें बहुत कुछ है जो उससे समाज को सीख देगी, हमारे बिहार, यूपी, समस्त हिंदुस्तान को। उसमें बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि हम लोग समाज को उससे बहुत कुछ सीख मिलेगा। बाकी हमारे भाई लोग जो कल देखेंगे तो खुद बताएंगे कि क्या मिला संदेश, क्या नहीं मिला हमारे फिल्म से। फिल्म के डायरेक्टर कौन है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे फिल्म के डायरेक्टर जो कि भोजपुरी के रोहित शेट्टी माने जाते हैं, एक्शन डायरेक्टर है सुजीत कुमार सिंह, जिन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में दिया, सत्या, वांटेड, धड़कन, भोजपुरिया राजा, क्रेक फाइटर, ये सबसे बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं वो नरसिम्हा। ये पूरा जोन से उससे भी हेवी, इसमें एक्शन है, उससे भी भारी कहानी है। सुजीत कुमार सिंह डायरेक्शन किए हैं और बीरू ठाकुर लिखे हैं। इस फिल्म में मैं हीरो हूं, हमारे साथ काफी क्रू मेंबर हैं जो भोजपुरी के जुड़े हुए हैं, जैसे सुशील सिंह है, अमित शुक्ला जी है, अपना करण पांडे जी है, जय सिंह है, काफी इसमें है, सारे मार्केट के काफी लोग इसमें भरे हुए हैं। लोटा तिवारी है। गीत संगीत किसने दिया, कैसा है गीत संगीत? गीत संगीत भी बहुत अच्छा आता है। सुजीत कुमार सिंह तो एक्शन और संगीत के वो बहुत ही अच्छा, उनको नॉलेज है सारे। उन्होंने हमको लगता है कि भोजपुरी में इतिहास रचा है उन्होंने गाने से। अपने पवन भाई की फिल्म थी छलकता जवनिया, गाना था रात दिया बुताए, गाना काफ़ी हिट हिट उन्होंने गाने दिए हैं। नरसिम्हा में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना दिया है, ओम झा म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत ही बेहतरीन और फुल एक्शन और क्या बोलते हैं, पूरा कमर्शियल फिल्म है हमारी नरसिम्हा। सुजीत जी को मैंने परेशान किया, वो हमको क्या परेशान करेंगे, मैंने उनको बहुत परेशान किया शूटिंग के दौरान, हमेशा उंगली करता रहता। वाक्य जैसे कि हम लोग क्या हुआ कि एक्शन हम लोग कर रहे थे, क्लाइमेक्स का चल रहा था, तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट किए थे हम लोग, और दूसरे दिन 1 बजे दिन तक हम लोग ने किया। सारे लोग थक गए थे, सुजीत भैया भी बोले कि भाई अब बंद किया जाएगा, हम लोग नहीं, पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। हम लोग ने 9 बजे से लेके दूसरे दिन 1 बजे तक फुल एकदम एक्शन किए, पूरा बहुत कुछ है। अब देखिए कल फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म के जो बाकी आर्टिस्ट हैं जैसे कि सुशील जी हो गए जी, क्या आपके साथ तिकड़े में हैं, उनका जरा बताएं। नहीं, सुशील भैया बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनसे काफ़ी कुछ हमको लगता है कि सीखा मैं। एक्टिंग भी बहुत ही अलग अंदाज में वो करते हैं, वो जाने जाते हैं। वो हो गए, अमित शुक्ला जी भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, वो हो गए, जय भैया है, अपना करण पांडे जी है, सारे लोग मजे हुए ही आर्टिस्ट थे इसमें, इसलिए बहुत ही अच्छी फिल्म बन गई। डायरेक्टर भी हमारे मजे हुए थे, इसलिए नरसिम्हा से आज बहुत बड़ा नरसिम्हा बन गया। कभी सोचा नहीं। फिल्म का टोटल शूट हम लोग किए थे अपना लखनऊ में किए थे, या बाकी कुछ भाग मुंबई के धरती, महाराष्ट्र के धरती पे किए थे। फिल्म का जो एक्शन किसने शूट किया है? एक्शन हमारे प्रदीप खड़का जी है, जो कि उनके साथ मेरी लगता है कि ये 10वीं फिल्म होगी। हमारे सारे फिल्म में एक्शन वही देते हैं, क्योंकि मैं उनको समझता हूँ, हमको समझते हैं, इसलिए हमारे से कई एक्शन मास्टर हमको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में हमसे क्या बोलते हैं उसको, नाराज भी रहते हैं, लेकिन मेरा जिससे बनता है, मेरा प्रदीप खड़का से बनता है, तो मैं उनके साथ कई फिल्में किया, सारी फिल्में अधिकतर उन्हीं से किया। अभी मैं भारत माता की जय कर रहा हूँ, उसमें भी प्रदीप खड़का ही हैं,
तो बहुत ही अच्छा एक्शन कराते हैं, वो समझ जाते हैं हमको कि प्रिंस भाई को हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। आप बहुत दिल से काम करते हैं, आप फोकस करते हैं अपने काम पे, सिखाते हैं, बताते हैं, करके दिखाते हैं, तो बेहतरीन एक्शन उभर गया। देखिए नरसिम्हा का चर्चा पूरा हिंदुस्तान में गुजरा है, उसका मेरा ट्रेलर आया है, सारे लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा हॉल में ट्रेलर चल रहा था, अभी एक वीक से चल रहा था, पूरा दर्शक तालियां मार रहे थी। तो सब हमारे पब्लिक हैं, जितने हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे बिहार यूपी महाराष्ट्र के समस्त हिंदुस्तान की जनता है जिसका प्यार मिल रहा है, मैं यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के भैया पैर जोड़ के आप लोगों को कि हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है 17 तारीख को बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए। और फिल्म पोस्टर आपका वायरल हुआ है, कंधे पर आप हथौड़ा लिए हैं और हाथ में बच्चा है, क्या कुछ दर्शाता है? बिल्कुल, एक बहुत ही दुखद घटना रहा कि वो लड़का जो था 4 महीने का वो बच्चा था जिसको हम लोगों ने नरसिम्हा में लेके, मैंने पूरा क्लाइमेक्स में उसको लेके मैंने फाइट किया है, अपने हाथ में कंधे में लेके गले में लेके और फाइट किया है, वो लड़का 6 महीने बाद नहीं रहा। मैं हम लोग ने श्रद्धांजलि भी दिए हैं फिल्म में, वो माँ बाप के इकलौता लड़का था, बहुत ही अच्छा, वो सोच भी नहीं, जो जो चाहिए था वैसा वैसा, जब रोना था वो रो, आज हंसना था हंसना, लेकिन वो सबको रुला के चला गया, तो उसको हम लोग ने, वो बच्चा नहीं रहा अभी इस दुनिया में। कहाँ बच्चे के बारे में कुछ बता दें, किसका बेटा था? जी हमारे करीबी दोस्त थे लखनऊ के, उन्हीं का बच्चा था, एक ही बच्चा था, बहुत मन्नत से वो मांगे थे, एक बच्चा हुआ था। क्या प्रॉब्लम को जैसे देखो उनका? और सुनने में हम लोग तो गए थे, जब डेथ हुआ तो हम लोग गए थे यहाँ से मुंबई से, सुने तो हम लोग गए थे, उसको कुछ नमूनिया वगैरह कुछ पकड़ लिया था, उसके चलते इलाज हुआ, इलाज के दौरान ही हॉस्पिटल में ही उसका डेथ हो गया। फिल्म के प्रोड्यूसर कितना सहयोग कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है एम ए खान जी, उनका पूरा सहयोग रहा है, जो डायरेक्टर मांगा है वो दिए हैं, वो देखे नहीं क्या पैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। काफ़ी बड़ी फिल्म है, हमारा लगता है कि 80-90 लाख की बजट की फिल्म है, टोटल दिल खोल के प्रोड्यूसर ने काम किया है। मेरा ऑडियो वीडियो सेटेलाइट भी अच्छा प्राइस में गया, उसमें ऐड भी मिला था, उसका भी अच्छा प्राइस मिला। आज फिल्म रिलीज हो रहा है, ऑल इंडिया एक साथ हो रहा है, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बस हमारे जितने जनता जनार्दन है उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि फिल्म को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और हिट करिए फिल्म को। थैंक यू।